गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ अव्ययों का अनुवाद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें यक्ष भी आई यानी 16वें नंबर का यह वीडियो है, ये नियम है। तो का अनुवाद, तो का अनुवाद कभी कभी तो का प्रयोग जब यदि अगर के बाद होता है, करा कभी कभी तो का प्रयोग जब यदि अगर के बाद होता है और इसका अर्थ होता है तब। वहां तो का अर्थ होता है तब, जैसे वे अगर आपस में झगड़ा करने लगेंगे और परस्पर सहयोग नहीं करेंगे, तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, दूसरा है, लोटा उठाना हो तो अंगूठा और उंगलियां मिलकर उठाती, हैं। तीसरा, जब वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ऐसे तो का अनुवाद होता ही नहीं। यहां जो तो आया हुआ है बताया कि ऐसे तो का अनुवाद होता ही नहीं। कुछ लोग तो या तब का अनुवाद देन करते हैं, यह ठीक है कि तो या तब का अनुवाद देन होता है, परंतु इफ वैन के साथ देन का प्रयोग होता ही नहीं। तो और तब का प्रयोग देन होता है, लेकिन टाइम क्लॉज यानी समय सूचक उपवाक्य और शर्त प्रकट करने वाले उपवाक्य के साथ देन का प्रयोग नहीं होता। कासन सावधानी, कुछ वाक्यों में तो का प्रयोग बिना यदि जब अगर के बिना होता है, मतलब उसमें यदि जब या अगर आया ही नहीं होता है। जैसा कि वाक्य नंबर 2, लोटा उठाना हो तो अंगूठा और उंगलियां मिलकर काम करती हैं, फिंगर्स। अब यहां आप देख रहे हैं जब नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है या यदि भी नहीं आया है, सीधे तो आ गया है। करक कुछ वाक्य में तो का प्रयोग बिना यदि जब और अगर के होता है, जैसे कि वाक्य नंबर 2 में हुआ है, पर यह साफ कहना पड़ता है कि ऐसे तो यानी ऐसा जो तो आया है कि पहले आने वाले क्लाज से एक शर्त का बोध होता है। करा भले ही उसके आगे जब या अगर या यदि न लिखा हो, लेकिन यह साफ समझ लीजिए कि तो के पहले जो क्लाज आता है उस उपवाक्य के द्वारा शर्त प्रकट की जाती है। इसलिए अनुवाद करते समय अपनी ओर से इफ या वेन का प्रयोग कर दें, भले ही उसमें जब या तब नहीं है, लेकिन ऐसे वाक्यों में तो के पहले वाला उपवाक्य शर्त प्रकट करता है, तो इसलिए अनुवाद करते समय अपनी तरफ से इफ या वेन का प्रयोग कर दें। और तो का अनुवाद करें ही नहीं यानी तो के लिए कामा लगा है, जैसे इफ दे क्वेरल अमंग देमसेल्फ, पहले वाले का ट्रांसलेशन है, अगर वे आपस में झगड़ा करने लगेंगे और परस्पर सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा,
इफ दे क्वेरल, अगर वे झगड़ा करेंगी एमांग देमसेल्फ्स आपस में, एंड डू नॉट कोऑपरेट विथ वन अनदर, और एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगी, एंड डू नॉट कोऑपरेट विथ वन अनदर, और एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगी, नो वर्क कैन बी डन, तो कोई काम नहीं हो सकता। नंबर दो, लोटा उठाना हो तो अंगूठा और उंगलियां मिलकर उठाती हैं। इफ वन हैज टू लिफ्ट ए वाटर पॉट, इफ वन हैज टू लिफ्ट ए वाटर पॉट, द थंब एंड द फिंगर्स डू सो टुगेदर, या डू सो टुगेदर, या लिफ्ट टुगेदर। इफ वन हैज टू लिफ्ट ए वाटर पॉट, द थंब एंड द फिंगर्स डू सो टुगेदर, या फिंगर्स लिफ्ट टुगेदर। तीसरा, आई विल गो वेन ही कम्स, इसी को उलट के भी लिख सकते हैं, वेन ही कम्स या इफ ही कम्स, आई विल गो, तब बीच में कामा होगा, और पहले जब आपने लिख दिया आई विल गो और टाइम क्लॉज पीछे चला गया वेन ही कम्स, तो तब कहीं कामा की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन वाक्यों में तो का अनुवाद नहीं किया गया, यानी इन वाक्यों में देख रहे हैं तो का अनुवाद नहीं किया गया है, और जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पर कामा का प्रयोग किया गया है, और तो का अनुवाद करना भी नहीं चाहिए, केवल कामा से ही काम चल जाता है। कारण ये जो वाक्य है पहले और दूसरे के अंतर्गत कामा लगा है, लेकिन तीसरे में उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ी है, उपवाक्य का स्थान बदल दिया गया। अब आइए अगले नंबर पर, नहीं तो या अन्यथा की अंग्रेजी, नहीं तो या अन्यथा की अंग्रेजी होती है आर, आर एल्स, अदरवाइज, नहीं तो आर, अन्यथा आर एल्स या अदरवाइज। जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, हरी अप, जल्दी करो हरी अप, अदरवाइज नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। नंबर दो, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ नहीं तो निकाल दिए जाओगे, यहां से चले जाओ नहीं तो निकाल दिए जाओगे। बी आफ, बी आफ, आर या आर एल्स यू विल बी टर्न आउट, बी आफ, आर यू विल बी टर्न आउट, आर एल्स यू विल बी टर्न आउट। यहां से चले जाओ नहीं तो निकाल दिए जाओगे, बी आफ, आर यू विल बी टर्न आउट, बी आफ, आर एल्स यू विल बी टर्न आउट। अब 18 में पाइए, कहीं न या ऐसा न हो कि, कहीं न या ऐसा न हो कि के लिए लेस्ट आता है, और लेस्ट के बाद सहायक क्रिया सुड आती है, इसलिए लेस्ट सुड लिखा हुआ है। कड़ी मेहनत करो कहीं फेल न कर जाओ, कड़ी मेहनत करो कहीं फेल न कर जाओ, अथवा कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि फेल कर जाओ, कड़ी मेहनत करो कहीं फेल न कर जाओ, या कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि फेल कर जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो कि। अब अगला आइए 19वां, बल्कि या इसके विपरीत, बल्कि या इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी,
इसके विपरीत ऑन द कंट्रेरी, उसने मेरा नुकसान नहीं किया बल्कि मेरी मदद की। उसने मेरा नुकसान नहीं किया बल्कि मेरी मदद की। He didn't harm me. On the contrary, he helped me. He didn't harm me. On the contrary, he helped me. 20वां कहीं का assertive sentence में है, कहीं का, मूर्ख कहीं का, you are big fool या you are utter fool, कहीं का assertive sentence में, मूर्ख कहीं का, you are big fool अथवा you are utter fool, you are big fool अथवा you are utter fool। 21वां तब कहीं उसने अपनी जान बचाई, तब कहीं उसने अपनी जान बचाई। Then at last he was able to save himself. 22वां कभी once at one time वह कभी मेरा दोस्त था। He was once at one time my friend. वह कभी मेरा मित्र था। He was once my friend. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ अव्ययों के किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए जाते हैं और उसमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। जितना ही अधिक हम इसका अध्ययन करेंगे उतना ही इन विषयों में हम कुशल होते चले जाएंगे। थैंक यू।